थोड़ा सा, और ये देखो बंटी। सो हेलो जी, की हाल चाल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो बेसिकली मराठी लैंग्वेज में ज़्यादातर रहेगा, क्योंकि जो कि मेरी मातृभाषा है, क्योंकि आज है 19 फरवरी मतलब शिव जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है आज, तो उसी के रिलेटेड आज ब्लॉग रहेगा। आज हम दही करेंगे सेलिब्रेट, तो जाएंगे पहले फिलहाल क्रांति चौक पर जाएंगे। अभी मतलब आजू कहीं में ये प्लान बना डाल नहीं है क्या करें कहीं बना। सो अभी का टाइम फिलहाल 12:30 हो चुका है, और अभी मौसम बहुत ही मतलब धूप भी निकले वाली अच्छी तरह से, वाह पंछी भी चिल्ला रहे हैं। तो बेसिकली आज हम जाएंगे पहले क्रांति चौक जाएंगे, क्रांति चौक में कल रात को बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ, पर कल रात को हम जा नहीं पाए, तो पहले उधर जाएंगे, फिर देखेंगे आगे का सीन क्या होता है क्या नहीं। और फिर चला आज सब लोग मराठी से शुरू हो, तो आज पहले मित्राला फ़ोन करूँ, गणेश वगैरह, गणेश अभी जी वो तो ये सुनता ठीक है, तो आप चल लगे सारा डायरेक्ट बैठो अपन। ठीक तो गाइस, इस बार थोड़ा अलग रहने वाला है ये वाला ब्लॉग, क्योंकि मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिला उधर ब्लॉग, क्योंकि मैंने जाते ही बहुत इंजॉयमेंट में ही ज़्यादा टाइम चला गया, और जितने मैंने थोड़ी बार मतलब वीडियो क्लिप शूट किए वो सब आपके साथ अभी शेयर करूँगा। और उसमें वॉइस मतलब बराबर नहीं आया, इसके वजह से ये तरीका ढूंढने का है। ये मैंने अक्षय पाल के ब्लॉग देखे, उस ब्लॉग में वो ऐसी बताता है पहले, फिर अपनी क्लिप दिखा रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। सो भाई, हम डायरेक्ट चले गए क्रांति चौक, मेरे साथ में कोई नहीं आया, तो मैंने लकी को साथ में लिया जो कि अभी भी शूट कर रहा है, तो लकी को मैंने साथ में लिया। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद हमें मुझे मेरे दोस्त मिल गए, लकी को उसके दोस्त मिल गए, फिर हमने वहाँ पर बहुत नाचे भी, बहुत इंजॉय भी किया। मेरी दोस्त की बहन की लड़कियाँ वाले थी, छोटी थी, क्यूट थी, तो उसके साथ भी हमने इंजॉय किया, वो उसके साथ भी हम नाचे वगैरह। उसके बाद मुझे कॉलेज के भी दोस्त दिखे वहाँ पे, उनके साथ इंजॉय किया, जिसे कि आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम थके वाले बहुत थे नाचने के बाद, फिर हम डायरेक्ट घर निकल रहे थे, पर तभी हम फ्लाई ओवर पर चले गए। फ्लाई ओवर पर जाने के बाद ऊपर से गाइस भीड़ देखो, दोपहर के टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि शाम के टाइम तुम इमेजिन नहीं कर सकते शाम के टाइम वहाँ पे क्या हाल हो रहा होगा। एक बार सो भाई लोग अभी हम नाचन विचन पूर्ण बने आ रहा है, पूरा थके ले हाल बहुत सकते थे हाल। सो बाकी क्या है ये सब, तो अभी निकलते हैं घर को, एक बार ऊपर का सीन दिखा दे आपको ऊपर से कैसा है क्या है। सो आता शिकापून आलो पुलावरती, आणि एकदम बघू शकता इथं खाली किती प्रमाणात गर्दी आहे ते पाहा, एकदम पुतळा बघू शकता तुम्ही, गर्दी जास्त तुम्ही त्या टाइप। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा पुतळा किती प्रतिम दिसतोय, ये लुक चेक आउट करो गाइस, भाई आज का दिन बहुत ही तूफानी होने वाला है, पता नहीं ये ब्लॉग कितना लंबा बनेगा, कोशिश करूंगा छोटा बनाने की, पर देखेंगे क्या होगा जान। सो हम घर आते आते एक बार फ्लाईओवर से आए, फ्लाईओवर से तुम सीट चेक आउट करो, ऊपर का माहौल चेक आउट करो एक बार।
पर क्या माहौल था। एक बार ये वाला क्लिप देख लो, एक बार ये बाइक से ले वाला चल रही तैयारी। अब निकलने की तैयारी हो चुकी है, जैसे कि देख सकते हैं आप। फाइनली बहुत टाइम के बाद हमारी मिरवणूक चालू हो गई, फाइनली चालू हो चुका है, 6:30 बजे चालू हो चुका है और देख सकते हैं आप। और वो टाइम आ गया जो मुझे ताल सुननी थी, मतलब ढोल की जो ताल रही थी मुझे वो सुननी थी, वो टाइम आ चुका है और वो उन्होंने फाइनली बजा दी। और वो सुनने में देखो वीडियो में पता नहीं कैसे आ रही, पर वहाँ पे लाइव सुनने में बहुत ही अच्छा आ रही है। अभी हो चुका है ब्रेक थोड़ा सा और ये देखो बंटे। A few moments later. गरीबों का इंस्टेंट देख लो एक बार। ये रहा यहाँ पे। चलो, चलो, चलो। इंस्टेंट आपने। चलो। So भाई लोग अभी चल रहा है। अभी हो रहे 8:30। 8 नहीं पूरे 9 बज चुके हैं। और देख ही सकते हो तुम यहाँ पे मस्त है। अच्छा दिवस खूप आवाज चांगला गेला आहे। सुरुवातीला सांगितलं अर्धा मराठी अर्धा इंग्लिश बोलणार बघ। पहिलं का भी चालू आहे ब्रेक, देख सकते आप। आपने चालू थोडा ब्लॉग, फिलहाल ब्रेक टाइम है और ब्रेक टाइम में देख सकते हो आप पूरी भगदड़ 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 में। आज कल लोग पता नहीं कैसे रहेगा, चलो देखते। तर शेवटी आम्ही स्टेज समोर पोहोचलो होतो। स्टेजच्या बाजूला छत्रपती शिवाजी महाराजांची खूप मोठी मूर्ती होती। त्या मूर्तीसमोर आम्हाला वादन करायचं होतं। त्या वादनासाठी आम्ही आमचे सीट लावणे सुरू केले। तिथं गर्दी खूप होती त्यामुळे जागा होत नव्हती। एकदा बघू शकता तुम्ही यहाँ पे आ चुके देखू शकते यहाँ पे छत्रपती शिवाजी। सगळे वादक त्यांचे
जे कला दाखवणार होते वाजण्याचा टाईम होता तर बघू शकता खूप अप्रतिमरित्या वाजवलेलं आहे त्यांनी जे तिथला पुरा म्हणताना त्याला माहोल महका दिया वैसी बात हुई थी वो पूरा माहोल हिला दिया तो उन्होंने एक बार चेकआउट करो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मेरे दमनाथ वाद्य पत्र भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो फॉलो करो।